हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जताया महिला प्रत्याशी पर विश्वास। महिला जिला कांग्रेस कमेटी की शहर जिला अध्यक्ष मनीषा पंवार लड़ेगी चुनाव। जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने महिला पर विश्वास जताते हुए मनीषा पंवार को सीट निकालने का दारोमदार सौंपा है। शहर महिला जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष के रूप में मनीषा कांग्रेस में सक्रिय देखी गई। मनीषा को सदैव पार्टी में भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखा गया है। इसी के चलते पवार को कांग्रेस जोधपुर शहर विधानसभा सीट निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। वे पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं। वे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के उपमंत्री राम सिंह आर्य की पुत्री हैं। मनीषा को टिकट मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल छा गया। शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने ओबीसी का कार्ड खेला है, जो भी हथाइयों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी जो हमेशा महिलाओं को लेकर आगे रहते हैं कि जो नींव का पत्थर है वो आगे आना चाहिए, वैसे उसी तरह अशोक गहलोत साहब ने देखा कि महिला कांग्रेस किस तरह काम कर रही है, जमीन से जुड़कर काम कर रही है और जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो उठा रही है और हर कार्यक्रम को बड़ी ढंग से कांग्रेस के कार्यक्रम को आयोजित करती है। इसी बात को लेकर उन्होंने और जो राहुल गांधी जी ने महिलाओं को लेकर जो कहा था कि महिलाओं की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। वे पार्टी की शुक्रगुजार हैं कि उनके जैसी छोटी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। ये मेरी नहीं सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में पानी की समस्या है, इसके अलावा ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर भीतरी शहर में हेरिटेज जगहों को लेकर विशेष कोई प्लानिंग नहीं रही है। इसके साथ ही सरदारपुरा में पार्किंग जोन बनाने के बाद सुजीति गेट क्षेत्र में भी पार्किंग जोन बनाया जा सकता है। इसके अलावा बाईजी का तालाब क्षेत्र में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा सकती है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।